सबसे पहले बात करते हैं हम स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन की जैसे सारे सिविल जज के एग्जाम तीन स्टेजेस में होते हैं वैसे हिमाचल प्रदेश का भी तीन स्टेजेस में होगा द फर्स्ट राउंड विल बी प्ररी एग्जामिनेशन सेकेंड राउंड मेंस एग्जामिनेशन होगा थर्ड और फाइनल राउंड होगा इंटरव्यू अब इन सारे राउंड को हम वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस करेंगे सबसे पहले आते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम की स्टेज पे इसे मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है पैटर्न और सिलेबस ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं पहले पैटर्न देखते हैं यहाँ का जो एग्जाम है जैसे सारे प्रिलिमिनरी एग्जाम होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं वैसे ही होगा बट ज्यादातर स्टेट में प्रिलिमिनरी एग्जाम का एक ही पेपर होता है लेकिन यहाँ पे तीन पेपर होंगे पहला पेपर होगा सिविल लॉ वन का दूसरा पेपर होगा सिविल लॉ टू का और तीसरा पेपर होगा क्रिमिनल लॉ का लेकिन ये तीनों पेपर सेम डे ही होंगे हर पेपर अटेम्प्ट करने के लिए एक एक घंटा मिलेगा तो टोटल टाइम ड्यूरेशन होगा तीन घंटे का हर पेपर के जो मार्क्स होंगे वो होंगे हंड्रेड जो टोटल मार्क्स भी थ्री हो जाएंगे अब सिलेबस देख लेते हैं प्रिलिमिनरी का सिलेबस सेम है जो कि मेंस एग्जामिनेशन में आता है तो सर मैं आगे मेंस एग्जामिनेशन की पीपीटी में आपसे डिस्कस करूंगी अब चलते हैं हम नेक्स्ट राउंड की ओर जो कि है मेंस एग्जामिनेशन इसे अगेन मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है पैटर्न और सिलेबस पहले पैटर्न देख लेते हैं

चौथा इंग्लिश लैंग्वेज और लास्ट पेपर होगा हिंदी लैंग्वेज का अब इन पेपर्स को भी हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट पेपर पे जो कि सिविल लॉ वन का होगा और ये टू हंड्रेड मार्क्स का होगा इसका सिलेबस क्या है ये सारे सब्जेक्ट्स आएंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इंडियन एविडेंस एक्ट इंडियन स्टैम्प एक्ट और हिमाचल प्रदेश कोर्ट एक्ट ये सिलेबस है फर्स्ट पेपर का तो इस अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करके जानी है इस पेपर के लिए अब हम चलते हैं दूसरे पेपर पे जो कि है सिविल लॉ टू का पेपर अगेन ये टू हंड्रेड मार्क्स का होगा और उसका सिलेबस ये है इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हिंदू लॉ से लिमिटेशन एक्ट से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और हिमाचल प्रदेश अर्बन रेंट कंट्रोल एक्ट से यहाँ का लोकल लॉ है तो आपको वो भी पढ़ के जाना होगा अब चलते हैं नेक्स्ट पेपर पे जो कि ये थर्ड पेपर क्रिमिनल लॉ का पेपर अगेन ये 200 मार्क्स का है और इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे क्रिमिनल लॉ के सब्जेक्ट ऑब्वियसली जैसे सबसे पहले आपको मिलेंगे क्वेश्चन इंडियन पिनल कोड से कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से इसमें आपको सिर्फ चैप्टर 17 पढ़ के जाना है जो कि डिसऑनर ऑफ चेक से रिलेटेड है हिमाचल प्रदेश एक्साइज एक्ट 2011 थाउजेंड एज एप्लीकेबल टू स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश क्योंकि हिमाचल प्रदेश का पेपर है तो वहीं पर एप्लीकेबल सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे और आपको वही पढ़ना है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट तो ये हो गया सिलेबस क्रिमिनल लॉ का अब चलते हैं लैंग्वेज पेपर्स पे पहला पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज का जो कि फोर्थ पेपर है लेकिन लैंग्वेज का फर्स्ट पेपर है ये 150 मार्क्स का होगा इसमें 100 मार्क्स ऐसे लिखने के लिए आएगा उस ऐसे का टॉपिक आपको दिया रहेगा और जो अप्रोक्सीमेट वर्ड लिमिट होगी वो होती है एट हंड्रेड वर्ड से वन थाउजेंड वर्ड तक के बट आप प्लस माइनस करके लिख सकते हो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है फिर आपको ट्रांसलेट करना होगा हिंदी इनटू इंग्लिश और ये होगा 50 मार्क्स का तो ये हो गया इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर अब चलते हैं फाइनल पेपर पे जो कि हिंदी लैंग्वेज का है ये पेपर 100 मार्क्स का होगा इसमें आपको क्वेश्चन मिलेगा पहला तो ट्रांसलेशन से जिसमें आपको इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना होगा ये थर्टी मार्क्स का होगा दूसरा आपको ऐसे लिखना होगा अगेन इसके टॉपिक्स आपको दिए होंगे आपको उनमें से सिलेक्ट करके ऐसे लिखना है ये फिफ्टी मार्क्स का होगा और जो थर्ड पार्ट है वो है कॉम्पोजिशन का इसमें ईवीएम्स और करेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपको और ये होगा ट्वेंटी मार्क्स का तो ये तो हो गया मेंस का सिलेबस अब आते हैं अपने फाइनल राउंड पे जो कि है इंटरव्यू का राउंड ये 150 मार्क्स का है यहाँ पर जनरल एकेडमिक और सोशल नॉलेज को आपके टेस्ट किया जाएगा बेसिकली इट्स अ पर्सनैलिटी टेस्ट तो आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके एकेडमिक्स के नॉलेज आपके कम्युनिकेशन स्किल्स या वो कोई प्रेजेंट सिचुएशन दे देंगे प्रैक्टिकल सिचुएशन दे देंगे और देखेंगे कि आप उस पे कैसे रिएक्ट करते हो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट करेंगे तो इट्स अ वेरी ब्रॉड एंड इट कैन बी एनी थिंग सो आप अपने कोर्स अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके जाइए और हिमाचल प्रदेश का आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप उस स्टेट के बारे में सारे करंट और स्टैटिक इवेंट्स को भी पढ़िए तो ये था मेरा पूरा वीडियो हिमाचल प्रदेश ज्यूडिशरी के सिलेबस के बारे में अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू और हमारे पास कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये सारे आप इनमें से किसी के भी थ्रू हमसे कनेक्ट कर सकते हैं थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट